जम्मू में ड्रोन हमले को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। जम्मू में शनिवार को जिस वक्त एयरबेस पर ड्रोन से हमला हुआ, ठीक उसी वक्त इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग में भी ड्रोन देखा गया था। ड्रोन से हुए धमाके को लेकर जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा है कि इस हमले में लश्कर के आतंकियों पर शक है। उन्होंने कहा कि ड्रोन को सीमा पार से भारत भेजे जाने का शक है। डीजीपी ने यह भी कहा कि धमाके में आरडीएक्स के सबूत मिले हैं। वहीं आज भी अरनिया सेक्टर में पाकिस्तानी ड्रोन की निगरानी वाली साजिश को बीएसएफ ने फायरिंग कर नाकाम कर दिया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों से जारी मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। पुलवामा में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया है, जबकि मुठभेड़ में एक जवान भी शहीद हो गया और एक जवान घायल हो गया है। सुरक्षा बलों को खबर मिली थी कि लश्कर के एक कमांडर समेत 3 से 4 आतंकी छिपे हुए हैं। इसके बाद सुरक्षा बलों ने घेराबंदी की, दोनों तरफ से फायरिंग हुई। इसके बाद सुरक्षा बलों ने भी जवाबी फायरिंग की और 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। पंजाब में गहराए बिजली संकट को लेकर अकाली दल, बीजेपी, बीएसपी लगातार सड़कों पर उतर आई है। वहीं आज नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी ही सरकार पर निशाना साधा। सिद्धू ने कहा है कि अगर सही ढंग से काम हो तो पंजाब में बिजली कटौती की कोई जरूरत नहीं है, साथ ही दफ्तरों की टाइमिंग का नियम भी बनाने की जरूरत नहीं होगी या लोगों से एसी का इस्तेमाल कम करने की अपील करनी होगी। सिद्धू ने यह आरोप भी लगाया कि पंजाब सरकार महंगी बिजली खरीद रही है। दरअसल कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सरकारी दफ्तरों का समय सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक कर दिया है और अगले 3 दिन तक एसी बंद रखने की अपील की है। मशहूर शायर मुनव्वर राणा के बेटे पर गोली चलने के मामले में रायबरेली पुलिस ने दावा किया है कि मुनव्वर राणा के बेटे ने खुद पर गोली चलवाने की साजिश रची। इस साजिश में शामिल 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि वो खुद पर गोली चलवाकर अपने चाचा को फंसाना चाहता था, इसीलिए ये पूरी साजिश रची गई। मुनव्वर राणा के भाई इस्माइल राणा ने भी तबरेज पर जबरन जमीन हथियाने का आरोप लगाया। पुलिस मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज की तलाशी कर रही है। कल देर रात पुलिस ने मुनव्वर राणा के घर पर दबिश दी थी। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।